ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। साक्षी क्षेत्र में जीएनएसी द्वारा एक अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के मालिकों से जुर्माना वसूला गया और लोगों को नो पार्किंग जोन में वाहन नहीं खड़े करने के प्रति जागरूक भी किया। अभियान का नेतृत्व रवि भारती कर रहे हैं। देख रहे हैं साक्षी एरिया में, बिष्टुपुर एरिया में काफी नो पार्किंग का कंप्लेन आ रहा है कि नो पार्किंग जोन में लोग अनऑथराइज करके पार्किंग लगा रहे हैं। बार बार सूचना देने के बाद, फाइन देने के बावजूद भी लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग राउंड कर रहे हैं और इंस्पेक्शन करते हुए जब भी मिल रहे हैं हम लोग ऑन द स्पॉट फाइन मार रहे हैं। कितना फाइन कर मिला? एक गाड़ी का चार्ज है 100 रुपया। का ट्रेड लाइसेंस नहीं बना हुआ है उनको, जो झारखंड म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से जो फाइन चार्ज है वो हम लोग ले रहे हैं। काफी लोग बनाए हुए हैं और कुछ लोग में जागरूकता की कमी है। दयानंद पब्लिक स्कूल के एनुअल प्राइज नाइट में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजीव पॉल ने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। All the dignitaries and pair of 2017-18. Proceeding further, I would like to call Arshia. Chief Guest of the Union, Mr. Sanjeev Paul, Vice President Karasi, Lokale Samaj Chairman, Jamshedpur Samaj Trust. And from the senior section, it goes to Sonal Priya. विख्यात कथावाचक मुरारी बापू गोपाल मैदान में 5 मई से 13 मई तक राम कथा सुनाएंगे, जिन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है। जमशेदपुर में मुरारी बापू का आगमन फिर 31 साल बाद हो रहा है और वो बहुत प्रखर कथावाचक है राम कथा, और उन्होंने हमें समय दिया है 5 तारीख को शनिवार से कथा शुरू होगी और पहले दिन की कथा 4 से 7 दोपहर को, 6 तारीख से कथा 13 तारीख तक सुबह 9:30 से 1:30 बजे।